आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ और पूरी सुरक्षा के साथ जा रहे हैं केदारनाथ जा रहे हैं आज हम लोग। अभी हम हल्द्वानी पहुँचे हैं, यहाँ से अब निकलेंगे, यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। और मेरे साथ हैं कुछ लोग, हैं कुछ दोस्त लोग मेरे साथ हैं, जो एक ये है मेरे साथ मोटी। मोटी अच्छा लग रहा जाने में? बहुत अच्छा सच में, मज़ा आएगा। चलो है ना, देखते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट पड़ता है हल्द्वानी से ऊपर, काफ़ी अच्छा व्यू है इसका। मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है इसका। ये भीमताल है, यहाँ हम रुकेंगे नहीं, पर काफ़ी अच्छा एरिया है, आपने नाम सुना होगा इसका। ये रानीखेत है, यहाँ पे काफ़ी मूवी वगैरह बन चुके हैं, आपने देखा होगा। काफ़ी अच्छी जगह है ये, काफ़ी लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ वगैरह, वन वगैरह, काफ़ी अच्छा है माहौल, काफ़ी अच्छा है और वातावरण शुद्ध है, अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके थे, पर हम लोगों ने फिर सीधे यहाँ से चलने का प्लान बनाया, क्योंकि हमें काफ़ी हम लोगों ने कहीं भी सिटी का कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि हम लोगों ने का क्या था ना, हम लोगों को खाली चलना चलना था, रुकना कहीं था नहीं, कोई काफ़ी दूर जाना था। तो ये गैंडसैन है, अभी आजकल उत्तराखंड की राजधानी बना हुआ है, स्थायी राजधानी बन गया है अब तो। काफ़ी अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं इसको। और हमें रुकना नहीं था तो हम आगे निकल गए, मैंने कहा हम क्या करना है, कहाँ रुक के अब थोड़ा सा। बीच में एक जगह पड़ती है कर्णप्रयाग, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी जो है वो 121 किलोमीटर है और काफ़ी अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं दो नदी आपस में मिल रही हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। ये एक जगह पड़ती है गोचर, गोचर से आगे का है, तो काफ़ी जर सड़क वगैरह टूटी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और काम चल रहा है चार धाम परियोजना का, तो काम काफ़ी जगह सड़क बन रही है, अभी काम चल ही रहा है। तो हम लोग निकल गए, काफ़ी आप देख सकते हैं पत्थर वगैरह टूटे हुए, लैंडस्लाइड हुई हुई है। हम लोगों को काफ़ी जाम ही मिला था, पर थोड़ा देर का ही था वो, उसके बाद खुलने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे। फिर इसके आगे हमने फिर थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी अंधेरा हो गया था। हम रात को 9:30 बजे हम लोग जो है सोनप्रयाग पहुँचे, फिर हमने वहाँ से रूम लिया। रूम लेने के बाद हम सुबह निकले, तो काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करा रखा था, पर वहाँ जाके एक रजिस्टर और होता है, तो वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कराया। फिर वहाँ से हम लोग 9:30-10 बज गए, तो हम वीडियो वगैरह नहीं बना पाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीधे रामबाण में जाके वीडियो बनाई। जगह पड़ती है जो हम लोग चढ़ाई करते हैं पैदल में, तो एक जगह पड़ती है रामबाणा, तो हमने जाके रामबाणा में जो है वो वीडियो बनाई। उसके आगे आप देख सकते हैं, ये चढ़ाई करते टाइम एक जगह पड़ती है रामबाणा, वहाँ पे है केदारनाथ में आपने ये जगह देखी होगी, फूल वगैरह पड़ता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा रुक के आराम किया, क्योंकि चढ़ते चढ़ते हम काफ़ी थक चुके हैं। फिर आगे हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट की। ये देखो रास्ता कितना वो है यार, चढ़ाव वाला। आओ
ऐसा खतरनाक रास्ता, बाप रे। अभी हम लोग चल रहे हैं, हम देख सकते हो कैसा रास्ता है, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा वाली, पूरा रास्ता खतरनाक वाला है, पूरा ऐसा चढ़ाई हुई है, पूरी खतरनाक वाली चढ़ाई, 50 डिग्री है पूरा, देख सकते हैं ये ऐसा चढ़ना पड़ेगा, ये पूरा रास्ता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम नए हैं तो नए वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, थोड़ा ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट किए, तो हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।